फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और हम बात करने वाले हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई वी। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई वी का जेड बार से डिनोट करेंगे और उसकी वैल्यू होगी ए माइनस आई वी। तो देखिए, अगर इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होगा, तो ये एक रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सेस है और नंबर है z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो इसका इमेज होगा यहां पर z बार इज इक्वल टू और a माइनस आई बी। इस रियल एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका इमेज है, दोनों एक दूसरे की इमेज है, ये इसकी इमेज है वो इसकी इमेज है। तो इस तरीके से आप देखें कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। इसका कॉन्जुगेट अगर आप निकालोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, मतलब दैट इज जेड बार, इसको बार से प्रोनाउंस करेंगे, जेड बार बार इज इक्वल टू जेड, जेड बार बार अगर निकालेंगे तो जेड आ जाएगा। ये नोटेबल पॉइंट है। अब आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन टू प्लस थ्री आई, देन इट्स कॉन्जुगेट विल बी, इसका कॉन्जुगेट होगा टू माइनस थ्री आई। सेकेंड, अगर जेड वन आपके पास है थ्री माइनस फोर आई, तो जेड, मान लीजिए ये जेड टू है, जेड टू बार इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर आए। अगर आपके पास नंबर है फोर ओनली, मान लीजिए कि नंबर अगर आपका प्योरली रियल नंबर है, तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए जीरो आई ऐड करेंगे, तो इसका कॉन्जुगेट होगा जेड थ्री बार इज इक्वल टू फोर माइनस जीरो आई विच इज फोर। तो देखिए कि z3 एंड z3 बार बोथ आर सेम, दैट इज एक कंक्लूजन निकला, इफ z इज अ प्योरली रियल नंबर देन इट्स कॉन्जुगेट इज, देन z बार विल बी सेम एज z। तो z बार में नो चेंज, z बार एंड z विल रिमेन सेम, और उल्टा भी इसी तरीके से, इफ z इज इक्वल टू z बार देन z विल बी अ प्योरली रियल नंबर। अब आप नेक्स्ट एग्जांपल देखें, एग्जांपल फोर देखते हैं। अगर समझिए आपके पास z4 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है थ्री आए, तो z4 का बार क्या होगा, तो z4 का बार होगा, z4 का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा z4, पहले z4 लिख दें आप, 0 प्लस टू आए, तो z4 बार आप देख सकते हैं क्या होगा, z4 बार इज इक्वल टू 0 माइनस थ्री आए, विच इंप्लाइज z4 बार इज इक्वल टू माइनस टाइम्स 3i इज व्हाट, 3i इज z4, दैट इज। अगर फिर एक आपके पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इफ z इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर बिकॉज इट डज नॉट कंटेन रियल पार्ट, देयरफॉर इट्स अ प्योरली इमेजिनरी नंबर, देन देखिए आप इसमें क्या आया, z बार इज इक्वल टू z, तो इसमें आएगा z बार इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जेड, जेड बार इज इक्वल टू माइनस टाइम्स जेड। अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह का है, देखिए मान लीजिए आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड फाइव इज इक्वल टू वन प्लस आई अपॉन वन माइनस आई, और इसका कॉन्जुगेट अगर पूछेंगे तो पहले इसे सिंप्लीफाई करना होगा, तो इसे सिंप्लीफाई कर लें, रैशनलाइज करके वन प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर हो जाएगा आपका वन प्लस आई होल स्क्वायर, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर। तो आप इसको एक्सपांड करिए वन प्लस आई होल स्क्वायर को, तो वन प्लस आई स्क्वायर प्लस
टू ए बी, बिल्कुल ठीक जैसा आप सोच रहे हैं। वन माइनस आई स्क्वायर, यू नो आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा आपका वन आई स्क्वायर इज माइनस वन प्लस टू आई डिवाइडेड बाय टू, जीरो प्लस टू आई अपॉन टू। तो इसको सिंप्लीफाई अगर करें सेपरेट करके तो ये होगा z5 इज इक्वल टू जीरो बाय टू विच इज जीरो प्लस टू आई अपॉन टू विल बी आई, देयरफोर z5 बार इज इक्वल टू होगा जीरो माइनस आई, जीरो माइनस आई मीन्स माइनस आई। तो कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जिनके कॉन्जुगेट हमें निकालने हैं और जो डायरेक्ट ए प्लस आई बी के फॉर्म में नहीं होंगे तो उन्हें सबसे पहले ए प्लस आई बी के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उसका कॉन्जुगेट निकालना होगा, जैसे हमने इस केस में निकाले। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में मैंने आपके लिए कुछ तो पहले लिख दिए जो इस तरह से रिजल्ट है, जैसे ये बॉक्स में है, दूसरा ये है, तीसरा रिजल्ट है आपके पास ये वाला z बार इज इक्वल टू माइनस जेड कब, वेन जेड इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। लेकिन अगर आपके पास कुछ और दूसरे तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो उनमें ये कंसेप्ट यूज कर सकेंगे, जैसे z1 प्लस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 बार प्लस z2 बार, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स दो ऐड करो फिर उसका कॉन्जुगेट लो, या पहले कॉन्जुगेट लो बाद में ऐड करो। सिमिलरली फॉर सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो मुझे लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियो हम इसका प्रूफ बनाएंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में z1 into z2 होल बार z1 बार into z2 बार, बड़ा वर्सेटाइल है ये बार कॉन्जुगेट, मल्टीप्लीकेशन में सेपरेट होता है, डिवीजन में सेपरेट होता है, पर एक चीज है z2 शुड नॉट बी जीरो, z2 शुड नॉट बी जीरो मींस जीरो प्लस जीरो आए, अगर जीरो प्लस जीरो आए होगा तो फिर प्रॉब्लम जाएगी। अगला रिजल्ट है हमारे पास z टू द पावर m बार, इसको लिख सकेंगे हम z बार टू द पावर m, बहुत सिंपल रिजल्ट हैं, आप देख के भी समझ गए होंगे और याद रखना भी इन्हें बड़ा आसान सा है, तो यू कैन कीप इन माइंड और आपको दिमाग में रखने होंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस इससे जुड़े हुए भी आते हैं। आइए मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं जो इन पर बेस्ड हैं। देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा कि इफ ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, देन प्रूव दैट ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए माइनस आई बी सी माइनस आई डी ई माइनस आई एफ एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये प्रूव करना है। दो चीजें प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम इसके प्रूफ के लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए प्लस आई बी जो गिवन है, सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आई टाइम्स कैपिटल बी। अब दोनों साइड हम इसमें कॉन्जुगेट लेते हैं, तो टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑफ बोथ साइड्स, दोनों साइड का कॉन्जुगेट लेंगे
तो दोनों साइड का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ और ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट। अब लेफ्ट साइड में आप देखें ये वाला रिजल्ट अगर यूज करेंगे जेड वन इंटू जेड टू बाहर इज इक्वल टू जेड वन बाहर इंटू जेड टू बाहर, तो ये कॉन्जुगेट सेपरेट हो जाएगा। देयरफॉर ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एल और ए प्लस आई बी का कॉन्जुगेट ए माइनस आई बी। यहां हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, हमने प्रॉपर्टी ये वाली यूज की है z1 वन इंटू जेड टू बार इज इक्वल टू जेड वन बार इंटू जेड टू बार। चाहे तो आप यहां पे कोड भी कर सकते हैं z1 वन इंटू जेड टू बार इज इक्वल टू जेड वन बार इंटू जेड टू बार। ये दो के लिए है और यहां तीन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको जनरलाइज कर सकते हैं। दिस रिजल्ट कैन बी जनरलाइज तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए, सबके लिए अलग अलग हो जाएगा। विच इंप्लाइज ए माइनस आई बी, सी माइनस आई डी, ई माइनस आई एफ इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। ये नंबर टू और इसको नंबर दे देते हैं हम वन। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो गया, फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड। अब हमें सेकेंड पार्ट प्रूव करना है, तो टू प्रूव सेकेंड पार्ट, अब जो दूसरा पार्ट है उसको प्रूव करने के लिए हमें वन और टू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग वन एंड टू, अगर हम वन और टू को मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाइंग वन एंड टू विल इम्प्लाई, वन और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ए प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ इज इक्वल टू ए प्लस आई बी और ये हो जाएगा ए माइनस आई बी, सी माइनस आई डी, ई माइनस आई एफ इज इक्वल टू ए माइनस आई बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, इन दोनों को कर दें, इन दोनों को कर दें, क्योंकि जब मल्टीप्लीकेशन में है तो किसी को भी किसी से कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, फॉर्मूले से इन दोनों को किया सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, इन दोनों को ई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर एफ स्क्वायर और राइट साइड हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बन गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वाई? बिकॉज आई स्क्वायर इज माइनस वन, तो माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये सेकेंड पार्ट भी प्रूव हुआ, सेकेंड पार्ट इज प्रूव्ड। इस तरीके से आपने देखा कि हमने प्रॉपर्टीज का यूज करके ये क्वेश्चन कैसे किया। कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। विश यू ऑल द बेस्ट।